हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवोल्ड की एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अपने एक ऑटर को देख रहे थे एंड मेरे को एक ऑटर ये मिल गया है। ये देखो, बैठा है अपने कंधे पे मस्त मजे में। एंड अब अपने को ऑटर मिल गया है तो अपन दो आर्टिफैक्ट लेके आ सकते हैं एक बारी में, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने जावे का है। इसको उतारने के लिए अपन को जो जैसे जो पीसी होता है ना, उसमें डबल एफ प्रेस करना पड़ता है। मेरे को भी पहले कई देर तक समझ में नहीं आया, फिर मैं ट्राई करके देख रहा था कौन सी की से उतरता है। तो जो एफ होता है ना, उसको डबल टाइम प्रेस करना पड़ता है तब उतरता है अपने शोल्डर से। एंड इसको वापस रखने के लिए तो अपन वापस ई दबा देंगे तो आ जाएगा। तो इसका स्टेट देखो, ये है लेवल 15 हो गया है इसका ओटर का। तो अभी मैं इसके हेल्थ में पॉइंट डाल रहा हूँ ताकि हेल्थ इसका ठीक रहे, क्योंकि मैं इसको नहीं चाहता कि इसको कोई डैमेज वगैरह दे। तो अभी तो इसको वापस अपने शोल्डर पर बिठा देते हैं। मस्त लग रहा है अपने शोल्डर पे ये बैठा हुआ। एंड अभी चलते हैं अपन एक बार, जैसे कि अपन ने एक मेगाथीरियम तो ये ब्रीड कर दिया है एंड इसका इम्प्रिंटिंग भी कर दिया। मैं सोचा हूँ आज अपन एक तो यूट्रेनस को ये ब्रीड कर दे एंड एक अपने वैक्स को ब्रीड कर दे। तो पहले मैं ले आता हूँ दोनों को। कम है भाई, पहले वैक्स को ब्रीड करेंगे अपन, क्योंकि अपने को एक वैक्स चाहिए हाई लेवल का और जिसका काफ़ी अच्छा मेल डैमेज हो। क्योंकि जो अपना ये फीमेल वैक्स है ना, इसका थोड़ा सा मेल डैमेज मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लगा। वैसे तो 900 का है इसका, पर और भी जा सकता है, क्योंकि जो अपना मेल वैक्स है ना, उसका मेल डैमेज अपन ने काफ़ी कर रखा है। ये देखो, इसका मैं दिखाता हूँ आपको, मेल डैमेज इसका 917 का है एंड अपने मेल वैक्स का मेल डैमेज है 1000 से प्लस मेगा डैमेज है इसका। तो इसी ये मैंने सोचा है कि अपन इसको एक वैक्स को ब्रीड करेंगे एंड डबल ब्रीडिंग करेंगे अपन। सिंगल ब्रीडिंग नहीं, डबल ब्रीडिंग करेंगे कि जैसे जो अभी इसका जो भी बेबी आएगा, अगर वो मेल, आई होप कि वो फीमेल हो, तो डबल ब्रीडिंग हो जाएगी इसकी। तो एक ये हो जाएगा एंड जो सेकंड फिर से ब्रीड करेंगे इनको, तो वो दोनों जो ब्रीडिंग के होंगे ना, उनको लेके जाएंगे और इन दोनों को इधर ही बेस पे रख देंगे अपन। इनको इधर लेके आते हैं साइड में इंक्यूबेशन चैम्बर के पास। स्टे हेयर एंड अब इनका स्टार्ट कर देते हैं बिहेवियर एनेबल मैटिंग, एंड इसकी भी मैटिंग ऑन करनी पड़ेगी मेरे को। बिहेवियर एनेबल मैटिंग एंड बॉस फाइट के लिए अपन अभी तैयारी कर रहे हैं बॉस फाइट के लिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपने को बचा है काम करना बॉस फाइट के लिए। इसीलिए अगर अपन अभी जाएंगे तो अपने जो डाइनोज है वो मारे जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कोई भी डाइनो मरे अपना। दैट्स वाई मैं अभी जा नहीं रहा हूँ बॉस फाइट के लिए। चाहे तो अपने को पता, अभी अगर अपन बॉस फाइट के लिए जाए ना इस पोजीशन में, थोड़ा सा और मेहनत करके अपने ड्यूरेंस का जो हेल्थ वगैरह उसको इंक्रीज करके, तो अभी भी अपने डाइनोज उसका जो ब्रूड मदर होती है उसका जो गामा वर्जन होता है उसको आसानी से हरा सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि फिर दिक्कत हो बाद में अपने को, तो इसीलिए मैं अभी इनको अच्छे से डेवलप करके तैयारी करके फिर लेके जाऊंगा, ताकि अपन फिर गामा अल्फा एंड बीटा तीनों को हराएंगे फिर एक ही बार में और तीनों ट्रॉफी ले आएंगे एक साथ। इनकी हो रही है मैटिंग अभी तो 50% हो गया है, 52%। वैक्स को टेम करने के लिए अपने को लगती है एक्सेप्शनल केबल। ठीक है, एक्सेप्शनल केबल है अपने पे। एंड यूट्रेनस के लिए मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल वैसे बनानी पड़ेगी। तो हनी तो है अपने पे वैसे, एक बार इसका बच्चा वो एग आ जाए, क्योंकि ये तो एग देते हैं वैक्स। तो जैसे ही इसका एग आता है फिर मैं इसको हैचिंग पे लगा दूंगा एग को, एंड अपन यूट्रेनस का जो मैटिंग है उसको ऑन कर देंगे ताकि अपने को यूट्रेनस का भी अंडा मिल जाए। तो दोनों को इकट्ठा हैच करेंगे, क्योंकि अपना जो इंक्यूबेशन चैम्बर है वो काफ़ी बड़ा बना रखा है अपन ने। ये देखो काफ़ी बड़ा है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इतने ही हैच होंगे, इतने अपन अपना जो मेगाथीरियम है जो अपने ब्रीड किया था उसका भी थोड़ा डेवलप कर देंगे, क्योंकि उसका मैंने अभी तक डेवलप किया नहीं है ज़्यादा ज़्यादा क्या, कुछ भी डेवलप नहीं किया मैंने उसका अभी तो। हियर इट कम्स, एग हेल्थ कम हो रही है, उठा लो इसको जल्दी से। एंड इसका मैटिंग बंद कर देता हूँ मैं,
ऐसे अब इसका मैटिंग कहिए ये मैच उस पर आ गई है, गैस स्टेशन पे आ गई है ये। देखो वैल्यू टू मैच 6 6 हावर बाद ये मैट कर सकती है वापस, तो अभी तो ये मैट नहीं करेगी, तो मैं इसका बिहेवियर बंद कर देता हूँ। डिसेबल मैटिंग बिहेवियर, डिसेबल मैटिंग, एंड एक बार इसको हैच करने पे रख दूँ मैं, फिर अपना उसका देखते अपन। गैसोलीन है इसमें तो टर्न इट ऑन। ये रहा अपना वैक्स का एग, एंड एग हर चीज़ की ठीक है, 99 की है, इनक्यूबेट हो रहा है एग अपना, एग हर स्टेबल है, नाइस। एक बार ये हो जाए, इतना मैं काम करता हूँ, ये एग को रख देता हूँ, एंड एक बार इससे निकले फिर देखते हैं। ट्रांसफ़र इसको थ्रो कर देते हैं, एंड एग को भी मैं डाल देता हूँ। मीट मैंने ले लिया है उससे, क्योंकि इसको अपन को मीट देना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अभी। कितना टाइम लगेगा इसको? आई थिंक 2 मिनट के अराउंड लगेगी, 2 मिनट से ज़्यादा ही लगेगी, तो अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं इतने। ये रहा एग, एग को उठा लेते हैं, एंड अपने को बनानी पड़ेगी आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनानी पड़ेगी। इधर क्या कर रहा है अपना जैप, जैप व्हाट आर यू डूइंग हियर? एग रखने तो पहले, तो फिर देखते हैं क्या करना है अपने को। अपने को बनानी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल, तो जाइंट हनी तो आ गया अपने पे, जाइंट बी हनी, एंड एक चीज़ और लगती है उसके लिए आई थिंक, मेरे को देखने दो, मेरे को उसका नाम एक बार दिखे तो मैं बताता। ये चाहिए अपने को, लार्जेस्ट चौक चौक चौ पाउडर, लार्जेस्ट चौक पाउडर ये बनाना पड़ेगा अपने को पहले तो। टाइम यही चीज बोल रहा था मैं, अब सभी एग्रो हो गए हैं। GGWP, फॉलो मी एंड फॉलो मी। इनको वापस खड़ा करना पड़ेगा, मेरे को इनका कुछ बनाना पड़ेगा साइड में सिस्टम ऐसा जहाँ पे कोई दूसरे डाइनोज ना आए, क्योंकि जब दूसरे डाइनो आते हैं ना सभी इकट्ठे हो जाते हैं झुंड बना के। स्टे हियर, इसीलिए फिर काफ़ी दिक्कत होती है उस टाइम पे। तो पहले तो एक बार अपने अंडे को देखते हैं। वैक्स को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल लगती है जो कि है अपने पे, वो एक्सेप्शनल केबल लगती है वैक्स को, तो वो है अपने पे एक्सेप्शनल केबल, तो वैक्स का तो हो जाएगा एक बार अगर इसने इम्प्रिंटिंग में केबल मांगी तो। बाकी देखते हैं, खाना है अपने पे, इसका नाम मैं हैक्स रखूंगा, HEX हैक्स नाम सोच रखा मैंने इसका। होने वाला बस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी, ये निकल गया अपना बेबी रेक्स, इम्प्रिंट करते हैं। 192 लेवल का है तो इसका नाम रखेंगे अपन हैक्स, मैंने सोच रखा था इसके ये नेम, एंड इम्प्रिंट हो गया। इसको केव चाहिए 1 घंटा 21 मिनट बाद, तो खाना रख देता हूँ अभी तो मैं इसकी इन्वेंट्री में। इसकी 8 7000 यानी अप्रोक्स 8000 की हेल्थ है, एंड मेगा डैमेज इसका 378 का है, तो इम्प्रिंट होने के बाद 400+ तो हो जाएगा इसका मेगा डैमेज, एंड 800+ हेल्थ हो जाएगी इसकी। नाइस, बेबी फीमेल है ये तो अच्छी बात है, ये
फीमेल है तो, एंड 192 लेवल है ना, तो लेवल अप होने के बाद इसके 60 के अराउंड लेवल बढ़ जाएंगे। मैं इसको जब मैक्स लेवल अप करूँगा तो 250 से प्लस जाएगा, ये 250 से प्लस जाएगा। तो इसको एक बार अपन फिर से वो करेंगे, मेट करवाएंगे जो अपना मेल रैक्स है उसके साथ। तो जो नेक्स्ट जो इसका आएगा वो और भी ज़्यादा हाई लेवल का आएगा, ऐसे बोल रहा था मैं। डबल ब्रीडिंग करेंगे और जो सेकंड जनरेशन के जो होंगे ना डाइनो, उनको यूज़ करेंगे अपन, क्योंकि उनके ऊपर जो डबल स्टैकअप होगा, जो इम्प्रिंटिंग के बाद जो बूस्ट मिलेगा अपने को, उसका डबल स्टैकअप होगा। तो अभी तो इसको खाना चाहिए, खाना दे देता हूँ अभी तो मैं इसको, खाता रहेगा ये। और अभी ये बड़ा हो रहा है तो एक काम करता हूँ मैं, इतने उसको देख लेते हैं, यूट्रेनस का ऑन कर देता हूँ मैं, किस किस को करना अपने को। अरे ये अपने को फॉलो कर रहा है क्या? स्टे हियर, डोंट फॉलो मी। पानी पीना अपने को, वैसे तो कैंटीन है अपने पे। और 207 हो जाए इसका, 231, 252। अभी तो नहीं कर सकते इसका, मेरे को जो ये है ना रोज इसका डेवलप करना पड़ेगा मेरे को काफ़ी, क्योंकि इसका डेवलप नहीं कर रखा मैंने। जब तक इसका डेवलप नहीं हुआ, इसका 250 से प्लस डेवलप चला जाएगा, तो अपने को जो बेबी होगा वो 200 के अराउंड मिल जाएगा फिर। तो अभी इसका तो नहीं कर सकते अपन ब्रीडिंग, तो एक काम करते हैं गीगा को करते हैं ब्रीड। आप काफ़ी टाइम से कमेंट भी कर रहे हो कि गीगा की ब्रीडिंग करो, गीगा की ब्रीडिंग करो, तो गीगा की भी ब्रीडिंग कर देते हैं। फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। इसका देखते हैं मेरे को कितने, देखना पड़ेगा इसका कितने जल्दी को मिलता है अपने को। बस स्टे हियर, स्टे हियर एंड बिहेवियर एनेबल मैटिंग, बिहेवियर एनेबल मैटिंग, ठीक है। मैटिंग ऑन कर दिया मैंने, लगेगा इसको थोड़ा सा टाइम। 200 से प्लस दोनों का लेवल, तो 150 से प्लस तो अपने को एग मिलना ही चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि 150 से प्लस तो होना ही चाहिए अपना जो डाइनो आएगा वो। एक बार मेरे को इसको बीच में लेके आना पड़ेगा। बिहेवियर पोअर डिस्टेंस लोवेस्ट, बाकी बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है ये बेबी वैक्स, देख रहे हो। खाना दे देते हैं इसको थोड़ा, कामा बंद कर दूं मैं, खाना दे देते हैं इसको। एंड ठीक है, इतना खाना इनफ अभी के लिए, तो इसको अभी टाइम लगेगा इसको केयर के लिए, तो हो रहा है ये केयर अभी तो, बोलो तो नहीं कर रहा ना ये। ठीक है, एंड अपने गीगा को देखते हैं इनका क्या चल रहा है। बोब एंड मैंडी, तीन गीगा हो जाएंगे अब अपने पास, तीन जाइगेंटोसोरस, 87% हो गया है तो आने वाला बस जल्द ही अपने पास। इसको भी आई थिंक एक्सेप्शनल केबल ही लगती है, क्योंकि इसको एक्सेप्शनल केबल से ही टेम कर देते हैं अपन ने, तो इनका बंद कर देता हूँ मैं एक बार। ये कितना टाइम होगी वापस मीटिंग है इसकी? वही 6 घंटे से प्लस लगता है टाइम। डिसेबल मैटिंग बिहेवियर, डिसेबल मैटिंग, ठीक है। और अभी चलते हैं एक बार, इसको अभी हैच करते हैं अपने अंडे को। नाइट हो गई है, 9 बज गए हैं रात के,
ये कम सी गीगा, इसका गीगा का तो अंडा भी बहुत बड़ा है साइज में, देखो इनक्यूबेट हो गया 36 मिनट लगेगी इसके अंडे को इनक्यूबेट होने में। GGWP, बहुत टाइम लगता है इसके अंडे को तो इनक्यूबेट होने में। जो इनक्यूबेट हो गया इतने ये, एंड इसको भी केव नहीं चाहिए अभी तो, काफ़ी टाइम बाद केव चाहिए इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं खाना दे देता हूँ इसको, एंड बाकी खाना डाइनो इन्वेंट्री में रख देते हैं, क्योंकि अपनी इन्वेंट्री में जल्दी डिस्पोज होता है खाना। ये मेगा थीवियम की इन्वेंट्री में रख देते हैं, एंड थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपना जो मेगा थीवियम है ना, जिसको अपन ने वो कल कल जो पीछे वो किया था, ब्रीड किया था, उसका थोड़ा सा डेवलप करते हैं, प्रिंट करते हैं। हम प्रिंट कर दिया था, डेवलप करते हैं थोड़ा सा इसका। उधर ही है ये, उधर से मैं लेके नहीं आया हूँ इसको अभी तक। इट इज मेगा ए, मेगा स्क्वाड है ये अपनी। हेल्थ में डालना पॉइंट, ठीक है। अब मैं मेले डैमेज करूँगा इसका, पहले 900 से प्लस मेले डैमेज करूँगा इसका, एंड फिर जो पॉइंट मिलेगा वो हेल्थ में डालते जाएंगे अपन। चलते हैं थोड़ा सा सफाई करते हैं, खाना खाना पड़ेगा अपने को। एंड एक दो आलू सोस एंड एक दो वेप्टर भी पकड़ने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि आलू की भी गैंग बनानी पड़ेगी अपन को, ये आर्टिफैक्ट है। क्या है एंकी बॉय है इधर अभी तो, एंड उधर क्या है, एंकी बॉय ही है अभी तो। लो एक गया, वन मोर, अल्फा वेप्टर को तो मेरे को मेगा थीवियम से मारना चाहिए था, मैंने दो अल्फा वेप्टर्स को मारा था, तो अगर मैं मेगा थीवियम से मारता उनको तो काफ़ी डेवलप मिलता अपने को। कोई नहीं, खैर। एंड अभी प्राइमिट को मैं इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइमिट की अभी अपने को नीड नहीं है, एंड इसको स्टोर करने के लिए या तो फिर मेरे को इसको पकाना पड़ेगा, पका के ही अपन इसको स्टैकअप कर सकते हैं। तो एंड प्राइमेट ये ना इतना मुश्किल भी नहीं है, अपने जो गीगा होता है ना, गीगा के साथ अपन इजी पीजी प्राइमेट ले सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा अभी स्टोर नहीं कर रहा प्राइमेट को। इसको थ्रो कर देते हैं, क्या थ्रो किया मैंने, कुछ गलत चीज़ थ्रो की मैंने आई थिंक, देखने दो मेरे को। ये थोक की थी मैंने गलती से जैगिंग, अपना रायट शूट की जैगिंग थोक कर दी थी मैंने गलती से। ये का कंप्लीट अपना रायट शूट, इसको ऐसे मेरे को रिपेयर देनी पड़ेगी, डैमेज्ड अपना रायट शूट। बैठ जाते हैं अभी एक बार, एंड थोड़ा सा उधर सफाई कर देते हैं, सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। एंकी एंड हाइना डोन से उसको भी मार देते, ये पैकेज है वैसे तो, डैमेज तो अच्छा दे रहा है ये अभी भी, डैमेज में कोई कमी नहीं है इसके। एंड डैमेज अभी मैं इसका बढ़ा भी रहा हूँ, 800 हो गया है, जल्दी बढ़ गया इसका डैमेज, क्योंकि 25% तो अपन ने जब इसको 100% इम्प्रिंट किया था उसका भी इफेक्ट मिला था इसको।
100% इम्प्रिंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता अपने को, क्योंकि 25% का इंक्रीज़ होना कम, बिल्कुल कोई कम इंक्रीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है 25%। देखते हैं अभी एक बार वैक्स को, एंड मेरे को आई थिंक AFK जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा काफ़ी इसको भी। तो एक काम करता हूँ, मैं एक मेगाथीवियम और ब्रीड कर देता हूँ, दो मेगाथीवियम हो जाएंगे अपने पास। ये फीमेल है ना, फीमेल है तो अभी नहीं कर सकते, इसका मेरे को रिजर्व करना पड़ेगा पहले। एंड तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को थोड़ी देर AFK जाना पड़ेगा, एंड जब इसका थोड़ा रेट टाइम कम होता है, बंद हो जा, तब इसका एग का जो ये अपना एग है ना, अभी तो इसमें देखो कितना 30 मिनट लगेगी, जब इसकी एग को हैच होने में 2 मिनट रह जाएगी ना, तब मिलता हूँ मैं आपसे, क्योंकि वरना तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, एंड अपने को इसी को ही हैच करना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ में अपने को। या मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम करते हैं अपन, पहले वो बना देते हैं एक्सेप्शनल केबल, बना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बना देते हैं, क्योंकि यूट्रेनस के लिए तैयारी कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनाने के लिए अपने को यूट्रेनस कैग लगता है, अगर आपके पास यूट्रेनस कैग नहीं है ना, तो जो हेस्पेरोनोसिस होती है ना, उसका जो गोल्डन एग होता है, उससे भी बना सकते हैं अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल को, क्योंकि वो भी काम आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनाने में। बाकी अपने पास तो यूट्रेनस का एग है, तो अपने को तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनाने के लिए अपने को एक तो यूट्रेनस का एग लगता है, जाइंट भी हनी लगती है, जाइंट जो हनी होता है वो लगता है अपने को, एंड अपने को लगता है कि लार्जेस्ट चाउडर, लार्जेस्ट चाउडर, ठीक है, तो लार्जेस्ट चाउडर बनाना देखना पड़ेगा मेरे को एक बार, रेसिपी पढ़ी तो है, बाकी वो रेसिपी घर था उनसे बनता नहीं है, मैंने ट्राई करके देखा था, जो अपने पास ये रेसिपी मिलती है ना अपने को डाइनोज को मारने से, उन रेसिपी से बनता नहीं है अपना, जो उसमें लिखा हुआ है। लार्जेस्ट ऑर्डर के ये अपने को चाहिए कुकड मीट, नार्कोटिक, सेवरूट, लॉन्ग ग्रास, मैजो बेरी एंड वाटर स्किन, ठीक है। तो अपने को कितने बनानी है एक्स्ट्रा के, अपन एक काम करते हैं, पहले देखना पड़ेगा मेरे को, 10 बना देते, एक काम करते हैं अपन 10 बना देते हैं। तो एक को बनाने में अपने को 5 लगता है, एक को बनाने में अपने को 5 सेवरूट लगता है, तो सेवरूट कितना अपने पे 10 है, तो 55 है, तो हो जाएगा इससे कम, 50 चाहिए अपने को, हो जाएगा इससे कम। एंड लोंगवास भी 5 लगता है एक को बनाने में, तो इससे भी हो जाएगा लोंगवास का भी कम। स्प्लिट हाफ ये हो गया, एंड स्प्लिट अमाउंट इसको रहने देते हैं स्प्लिट करने के लिए। और अपने को लगता है इसमें नार्कोटिक, दो नार्कोटिक लगती है एक को बनाने के लिए, तो नार्कोटिक अपने को 20 नार्कोटिक तो लगी जाएंगे, नार्कोटिक नार्कोटिक स्प्लिट अमाउंट 20 कर देते हैं, क्योंकि अभी 10 ही बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रहा, क्योंकि अगर वो मांगता भी है तो बस एक ही केबल देना पड़ता है अपने को, एक केबल में हो जाता है। कुकड मीट लगता है 9, 9 यानी 10 के हिसाब से 90 लगेगा अपने को, तो 2 स्टैक दे देते हैं कंप्लीट। मैजो बैरी लगती है, और अपने को थोड़ा सा वो दे देता हूँ मैं, गैसोजीन उधर रखा था आई थिंक मैंने, गैसोजीन इंडस्ट्री कुकर में बनाएंगे अपने, सबसे बेस्ट है ये। ये आ गया गैसोजीन, मैजो बैरी, मेजोबेवी इस पे मिल जाएगी अपने ब्रूंटो पे, बहुत मेजोबेवी है ब्रूंटो पे, 10 मेजोबेवी लगती है एक को बनाने में,
तो अपने को 100 मेजो बेरीज चाहिए एक स्टैक। वेट करना पड़ेगा मेरे को 2 मिनट के लिए, वेट में डाल देता हूँ इसका पॉइंट। जी, इतनी देर में तो मैं एक वापिस आ जाता। फ्रेश फ्रेश पीस लेते हैं मेजो बेरी का, ये आ गया अपना फ्रेश मेजो बेरी एंड अभी चल देते हैं। इसका ये नीचे कूद गया ऊपर से अगर मैं तो सीधा का हाफ है चीज जाएगी अपनी, तो सीधा उधर से नहीं कूद सकते अपन नीचे। यू आर डेड बॉय डेड। ये देखो 885 का डैमेज दे रहा अपना वैक्स डेड, बोला था मैंने डेड है ये। फॉलो मी वैक्स गैंग है ये अपने, स्टे हियर। ठीक अपना बन रहा है अभी ये, एंड कितना बनेगा स्पॉइल हो जाएगा एक स्पॉइल सेट, तो मेरे को एक डालना पड़ेगा। तो मैं कहे के आता हूँ, एक काम करता हूँ कहे के आता हूँ अपना ये लॉन्ग ग्रास एक उठा देते हैं। ये तो विदाउट इम्प्रिंटेड है, अगर अपना इम्प्रिंटेड हो ना दो, जब डबल इम्प्रिंट कर दूंगा मैं तो उसके बाद अपना एकदम ओपी हो जाएगा वैक्स, ओवर पावर्ड बिल्कुल। रख देते हैं ये हो गया, ये एक चीज लगती है अपने को बनाने के ये इसको, एंड अब अपने आप बन जाएगा इजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल। ये आ गई लॉन्ग ग्रास अपनी, तो 10 बन जाएंगे अब ये। अब ये हो गया अपना वेरी आइटम, एंड बाकी सामान मैं ले लेता हूँ वापिस। ठीक है खा लेते हैं बाकी क्या कर रहे हैं और। ठीक है ये हो गया, एंड अपने को अब चाहिए जाइंट हनी बी एंड मेजो बेरी चाहिए फिर से। ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइबर चाहिए, मेजो बेरी तो वही है सेम 10 लगती है मेजो बेरी, तो इसका तो कोई है ही नहीं सिस्टम अलग से, 10 मेजो बेरी लगती है सिंपल सी बात है। ये मेजो बेरी हो गई अपनी, एंड फाइबर है अपने पे, तो हनी चाहिए एंड एग चाहिए अपने को, 10 एग चाहिए अपने को टोटल, तो 10 बन जाएगी अपनी केबल। लाइट ऑन कर देते हैं थोड़ी हनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हनी हो गया अपना, एक और आएगा अब हुआ 10 हनी अपना, नहीं हो गया था एक लाइन में 6 आते हैं टोटल, ये तो 10 हनी हो गया अपना एंड 10 एग चाहिए अपने को। ये देखो कितने आएगा 46 एग अपने पे, तो स्प्लिट अमाउंट 10 10 ये हो जाएगा। आ गया अपने पे सामान, अभी बना देते हैं। बारिश भी हो रही है ऊपर से अपने ऊपर, वैसे ही नाइट में विजिबिलिटी कम होती है एंड बारिश होने के बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाती है विजिबिलिटी। अब बन जाएगी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल, ये आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल अपनी। ये यूट्रेनस को टेम करने में लगती है वैसे तो, और यूट्रेनस का जब इम्प्रिंटिंग करेंगे तो बेबी मांग सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल, इसीलिए मैंने टेम ये बनाई है अभी। जो केबल होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है स्पॉइल टाइम, ये देखो नॉर्मली इसका 23 डेज का है, और जब इसको वैफ्यूज ये कितना टाइम है इसका भी ये देखो हावर्स, ये मिनट्स है सेकंड मिनट हावर डे, 2 दिन 3 दिन का होता है एक केबल का स्पॉइल टाइम। एंड जब अपन इसको रेफ्रिजरेटर में रखते थे ना तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्पॉइल टाइम रेफ्रिजरेटर में रखते ही। दिखाता हूँ मैं आपको किधर है, ये भाई 3 दिन का था, अब देखो 300 दिन का हो गया,
100 गुना ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है इसका। ये अपने पास 3 केबल आ गई है, एक्सेप्शनल, सुपीरियर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेनली जो मोस्टली जो केबल लगती है, तीनों केबल लगती है, मोस्टली सुपीरियर केबल लगती है, फिर अपनी एक्सेप्शनल एंड सबसे रेयर लगती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल। तो तीनों आ गई है अपने पे, एंड इसमें टाइम लगेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको, क्या प्रोग्रेस है उसकी। एक बार गेट को बंद कर दूं मैं। अपना डंग बीटल किधर है? ये रहा इधर लगा हुआ काम पे। गेट बंद कर देते हैं और अभी एक बार चलते हैं इधर अपने इनक्यूबेशन वाले एरिया में। खाना है इस पे, अभी तो खाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगेगा काफ़ी टाइम, 59 मिनट्स लगेंगे अभी इसको, एंड इसमें लगेगी अभी 21 मिनट्स। तो एक काम करता हूँ मैं, जब इसमें 2 मिनट्स रह जाएगी मिलता हूँ आपसे। तो अभी के लिए तो फिर AFK रहना पड़ेगा मेरे को 18 मिनट्स के लिए। 2 मिनट बच जाएगी ना, तब मिलता हूँ मैं आपसे। मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी इसको 30 सेकेंड्स और लगेंगी एंड ये कंप्लीट हैच हो जाएगा। तो एंड ये अपना, इसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो, 40 मिनट्स के अराउंड लग जाएंगी इसको, 39 मिनट। बाकी अभी ये हो रहा अपना मैचुएशन, 26% हो गया मैचुएशन इसका कंप्लीट, एंड ये भी बस अपना हो गया इंक्यूबेट। 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी, ये आ गया अपना गीगा, 136 लेवल है। बेबी जाइगेंटोसोरस इम्प्रिंट एक्सेप्ट, इसको भी इतना ही टाइम लगेगा, 1 आवर एंड 121 मिनट। फॉलो कर रहा क्या है अपने को? ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं जाना था, बिहेवियर में, बिहेवियर फॉलो डिस्टेंस लोवेस्ट। क्यूट, लेट मी गो। कम हियर, अटक गया आई थिंक वैक्स अपना। स्टे हियर, पहले वैक्स को निकाल देते हैं। अटक गया ये गीगा से, दोनों अटक गए क्या? GGWP हो गया ये तो। GGWP हो गया। अब ये वॉल तोड़नी पड़ेगी मेरे को, ऐसा लग रहा है। क्या करे, कॉयर पोर्ट है ना अपने पे, आईडिया आ गया, क्यों तोड़नी पड़ेगी अपने को। कॉयर पोर्ट से निकाल देते हैं बाहर। अब आ जाएगा वैक्स बाहर अपना। ड्यूड कम आउटसाइड, ये अटका हुआ अभी भी वैक्स। नाइस, स्टे हियर। इसका जल लगा देता हूँ मैं माइल्ड डैमेज पे, एंड थोड़ा सा खाना दे देते हैं इससे, गीगा को खाना चाहिए अपने गीगा को, तो इसको खाना दे देते हैं। ये आ गया खाना इसके लिए, एंड ये अपना बेबी गीगा देखो,
जी, मस्त लग रहा है वैसे देखने में। इसका स्टैट देखता हूँ मैं, एक मिनट रुको, स्टैट क्या है इसका, गीगा का? सेवनटीन थाउजेंड की हेल्थ है इसकी, एंड हेल्थ अच्छी है इसकी। मेले डैमेज इसका कम है, 115 का मेले डैमेज कम है इसका। मेले डैमेज इम्प्रिंट होने के बाद ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, बाकी ठीक है, बढ़ जाएगा। ये आ गया अपना कीगा, एंड ये अपना वैक्सी बॉय, इसको लगेगा अभी थोड़ा टाइम, 35 मिनट्स से लगेंगे अभी इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ कायपोर्ट से, क्योंकि ये भी अंदर स्टक हो गया है। खाना ले लेते हैं इसकी इन्वेंट्री से। इसको बंद कर देते हैं, टर्न इट ऑफ। एक ही गैसोलीन लगी है तब से, एक ही गैसोलीन से चल रहा है इतनी देर से अपना। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है ये फ्यूल के मामले में, बहुत कम फ्यूल लेता है ये। एक बार ये टाइमर कंप्लीट हो जाए अपना, क्रायो सिकनेस का क्रायो कूल डाउन कंप्लीट हो जाए अपना, फिर देखते हैं। वापस समन करता हूँ मैं इसको, वैक्स को अपने। 3 गीगा हो गए अपने पास टोटल। जी, हो गया टाइमर कंप्लीट। ये आ गया अपना वैक्स, एंड इसको खाना दे देता हूँ मैं वापस। ये खाना आ गया इसके लिए, एंड करवाइए रिस्टोर अभी हेल्थ। तो इसको केव चाहिए 34 मिनट्स में, एंड इसको केव चाहिए 1 आवर एंड 16 मिनट में। तो इसको मैं देख लूँगा ऑफलाइन, केव दे दूँगा, एंड 100% इम्प्रिंट कर दूँगा दोनों को, ताकि जो इनको जो इम्प्रिंटिंग का जो बूस्ट मिलता है वो मिल जाए 25% का। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।